बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सब्ज़ी मंडी वाला भाई हाज़िर है सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में, और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे आज कितनी गाड़ियाँ थी और कैसी नीलाम हुई। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एक कीमती वीडियो है इस टाइम और बहुत ज़्यादा लोग इसके इंतज़ार में रहते हैं कि इंटरनेशनल सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में क्या रेट चल रहे हैं, तो शेयर ज़रूर कीजिए। बिस्मिल्लाह करते हैं वग़ज़ा की बगैर। तो प्यारे दोस्तों, आज सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में लगभग 52 गाड़ियाँ थी, 52, जिसमें से एक बदीन का, एक जैकबाबाद का और बाकी ठट्टा के टमाटर थे। तो ये जो सामने पड़े हैं ये जैकबाबाद है, जो कि फ़रोख्त नहीं किया गया और बंद किया गया। बहुत ज़्यादा नुकसान उन बेचारों को हो रहा था। इसमें तकरीबन 10-11 किलो टमाटर होते हैं, किसी में 9 किलो होते हैं, लेकिन इस पर किराई बढ़ चुकी है पेट्रोल की महंगा होने की वजह से, और व्यापारी और ज़मींदारों को सख्त नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से ये गाड़ी बंद की गई। अल्लाह इन बेचारों की मदद फरमाए। सामने पड़ा हुआ है ठट्टा के टमाटर, ठट्टा के टमाटर भी कमज़ोर हो गए हैं। अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो ये ग्राउंड सारा गीला है, क्योंकि ये गीले टमाटर थे। हम जो अक्सर औकात आपको नीलामी की वीडियोस दिखाते रहते हैं, तो वो इन गीलों टमाटरों पर नीलामी होती है। लोग कह रहे हैं यार आप कम रेट देते हैं लोगों को दिखा रहे हैं, तो पहले से बताऊँ, नीलामी जब हम आपको हाईलाइट में दिखाते हैं तो वो असल में अच्छे टमाटरों की नीलामी नहीं होती। अच्छा, तो अब आपको बताएं कि आज सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में ठट्टा के टमाटर 430-40-50 तक फरोख्त हुए हैं। अच्छे टमाटर सुना गया है कि 460-470 का भी गया है। वैसे 430 से लेकर 450 तक ठट्टा के टमाटर लगे हैं आज सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में। दोस्तों, बदीन के टमाटर तकरीबन एक गाड़ी थी और 350, 60 और 70 रुपए तक फरोख्त हुए हैं बदीन के टमाटर। टमाटर काफ़ी ज़्यादा थे मंडी में और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहे व्यापारियों और ज़मींदारों बेचारों को। अल्लाह उनकी हालत पर रहम फरमाए, ख़ुसूसी दुआओं में उनको याद रख के अच्छे टमाटर ठट्टा के आपको दोबारा बताए 430, 440, 450, 60, 70 रुपए तक फरोख्त हुए हैं। सुना गया एक मार्का इससे भी 10-20 रुपये ऊपर गया है। ये बात भी याद रखिए, अगर रात को आप सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में ख़रीदारी करते हैं तो उस पर कमीशन यानी टैक्स देना पड़ता है। अगर आप 430 की ख़रीदारी करते हैं तो वो आपको 500, 510, 520 की पड़ती है। ये तमाम मंडियों के, पाकिस्तान भर की मंडियों के उसूल है कि आपको टैक्स देना पड़ता है। यूँ ये उसूल सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद पर भी लागू है अगर आप रात को टमाटर लेते हैं। इसके साथ साथ ये बेचारे यानी पड़ी हजरात जब टमाटर लेते हैं तो रेड़ों वाले भी 10 रुपये उनसे मजदूरी लेते हैं, साथ साथ टैक्स वगैरह मिलाकर 430-450 वाला लाट उनको 510-520 में पड़ जाता है। तो ये बात ज़रूर जहन नशीन कर लीजिए। दूसरी बात ये याद रखिए, जब हम आपको हाईलाइट में नीलामी दिखाते हैं तो ये उस वक्त रेट नहीं होता, रेट आखिर में, जैसे अभी हमने बताया तो रेट आखिर में निकलता है अच्छे मार्कों का, कमज़ोर का, कि वही सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में क्या रेट चला है उसकी पूरी मालूमात करके मैं उसके बाद वो शेयर करता हूँ। ये बात भी याद रखिए कि नीलामी वाला रेट हमेशा रेट नहीं होता, बल्कि रेट घंटा डेढ़ बाद कन्फर्म लगता है। जब सारी नीलामी हो जाती है तब अंदाजे लगते हैं कि वही हाई रेट ये चला है, कमज़ोर रेट ये चला है। तो ये कुछ मालूमात थी जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक कीजिए, कमेंट में अपने राय का इजहार कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।